हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस रेट में और किस मटेरियल की मदद से आप अपने घर के अनवांटेड एरिया को या शाफ्ट्स को या प्लंबिंग के पाइप्स को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पे आप किसी भी अनवांटेड एरिया को अगर हाइड करना चाहते हैं बिना ब्रिक वॉल किए, तो उसके लिए सबसे इकोनॉमिकल तरीका है कि आप बाइसन बोर्ड का इस्तेमाल करें, या इसी को वी बोर्ड भी कहते हैं। आप इस बोर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी अनवांटेड एरिया को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, 2022 में अभी इसका रेट 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट है, जो कि ब्रिक वॉल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। दोस्तों, इस रेट में सारा मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर खुद ही परचेज करेगा और बाइसन बोर्ड लग जाने के बाद आपको इस पे पुट्टी और पेंट का अलग से चार्ज देना होगा। बाइसन बोर्ड या बी बोर्ड सबसे इकोनॉमिकल वे है अपने घर को और भी लग्जरी बनाने का। दोस्तों, बाइसन बोर्ड या बी बोर्ड बेसिकली लाइट वेट होते हैं, आप अपनी जरूरत के टाइम पे इसको खोल के हटा सकते हैं बिना किसी अदर डैमेज के। दोस्तों, अगर बाइसन बोर्ड या बी बोर्ड लगाने का क्या प्रोसीजर है, अगर आप जानना चाहते हैं और क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आपको कोई सजेशन या क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें।